करोना ट्रीटमेंट अवसरमैन रेमडेसिविर इंजेक्षन कोरता तीव्रंगा उंदी। यूपी गोरखपुर जिला कमिश्नर आफीस मुंदु रेमडेसिविर कोसम वंदलादि मंदि क्यू कट्टारु। गंटल तरबड़ी वेचि चूस्तुन्नामंटू आवेदन व्यक्तं चेस्तू उन्नारु। अयिते अधिकारुलु एवरिकी इंजेक्षन्लु इस्तुन्नारो अर्थं कावडं लेदंटुन्नारु। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं और जो पेशेंट हमारा एडमिट है वो तो वहाँ मर ही रहा है, हम भी यहाँ मर रहे हैं। पिछले चार दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ बाहर कुछ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। प्रशासन ने यहाँ बता दिया है कि टोकन मिलता है और टोकन किस आधार पर और कैसे मिलेगा इसके बारे में प्रशासन ने नहीं बताया। जो भी लोग यहाँ हैं वो हर आदमी अपने हिसाब से आ रहा है, लाइन लगा रहा है। हम 12 घंटा 13 घंटा यहाँ शाम से लाइन लगा रहे हैं और पता चल रहा है कि सुबह आकर के यहाँ पर बवाल हो रहा है क्योंकि हर आदमी को आवश्यकता है इंजेक्शन की। इसकी प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यहाँ पे पहले से ही नंबर लग जाए। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि कोई अपना नंबर लगा दे रहा है, कोई कैसा लगा दे रहा है। इससे व्यवस्था जो लोग बचे हुए हैं कम से कम वो सुरक्षित रहें। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन हो पा रही है, ये बड़े शर्म की बात है हम नागरिकों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। जाए मुंबई अतिपेद बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर मल्ली तेरुचुकुंदि। इवाल उदयं पेद्द एत्तुन जनं वैक्सीन कोसं क्यू कट्टारु। प्रस्तुतं सीनियर सिटिजन्लकु मात्रमे प्राधान्यत इस्तुन्नारनि चेप्तुन्नारु। उदयं 5000 डोसुलु बीकेसी सेंटर्कु वच्चायनि चेप्पारु अधिकारुलु। अयिते इप्पटिवरकु इंका वैक्सीनेशन प्रारंभं कालेदु। वैक्सीन डोसुल कोरत एर्पडंतो निन्न बीकेसी सेंटर्नु मूसेशारु अधिकारुलु। दींतो चाला मंदि तिरिगि वेळ्ळिपोयारु। अजूनपर्यंत ते सांगतात की वैक्सीन आलेली नाही, वैक्सीन दुपारी 12 नंतर येणार, त्याच्यानंतर चालू करणार। पण हे अबव 40 जे सिनियर सिटीझन त्यांना आतमध्ये घेत आहेत, 45 नंतर जे त्यांना बाहेर थांबून ठेवले, लाईनीमध्ये उन्हामध्ये उभं करून ठेवले, बसायला पण देत नाही। सांगतात जेव्हा वैक्सीन येणार तेव्हा तुम्हाला आतमध्ये सोडणार। त्याच्यानंतर किती आहे, पहिले जे लोक सोडलेत त्यांच्यानंतर आम्हाला देणार ते। आमलोक सुबह 7:30 बजे से खडे इधर, अभी तक अंदर लिया नहीं है, खाली सीनियर सिटीजन को अंदर लिया है। जो 45 एज के बाद में है उनको बोला है कि 12 बजे के बाद वैक्सीन आएगा, उसके बाद अंदर लेंगे। तो कितना वैक्सीन आएगा वो भी वो लोग को अभी कंपलसरी पता नहीं है कि कितना आएगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी नहीं बता रहे। अभी आधा घंटा तो हो गया, कुछ पता ही नहीं है। बोल रहे हैं कि पहला सीनियर सिटीजन को देंगे, बाद में आपको 12 बजे के बाद चालू होगा डायरेक्ट लाइन में। वो हमको क्या पता।